कि जिस तरीके से हॉकर्स ने पूरे गलियों को कब्जा कर लेता है तो हॉकर्स को भी शर्म नहीं है। लोग बिल्डिंग के लोग हैं जो लगाए थे इधर पे धंधा। मैं अगले बुधवार को आऊंगा, मुझे यहाँ पे लोग बहुत जगह को एडजस्ट करते चले जा रहे थे। बारिश है, इनसे न टाएंगा तो क्या धंधा करेंगे, ऐसी धंधा पानी से सब मरूं मैं। यहाँ पर लेके आए और सबको वैसा कुछ, लेकिन अभी सब दुकानदार भड़के हुए के लेके आए के अंदर सब का सज्जा अंदर जा रहा है। शिकायत की बिल्कुल बिल्कुल ये कार्रवाई हुई। इधर की कंप्लेंट जा रही है, ये कौन कर रहा है, ये बिल्डिंग वाले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग की जगह पे कर रहे हैं, कहीं बाहर जाके किसी की जगह पे नुकसान देके किसी को तकलीफ देके नहीं कर रहे, यहाँ पे कोई नशाबाजी नहीं हो रही है। हमने म्यूनसिपालिटी में बाकायदा बिल्डिंग का लेटर दिया है कि हमारे को वहाँ से रिक्शा नहीं आती है, हम लोग पेशेंट लोग हैं, आना जाना रहता है, हमको जगह नहीं रहती। महेश तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के गुलाब पार्क मार्केट में मनपा ने हॉकर्स को जगह खाली करने के लिए कहा है। हॉकर्स गली के अंदर जो अपनी बाकड़े लगाते हैं उन हॉकर्स को मनपा ने दुकानें हटाने के लिए कहा है। कार्रवाई की डर से हॉकर्स खुद ही अपने बाकड़े हटा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कल गुलाब पार्क मार्केट के अंदर गली में गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड का एक कार्यक्रम हुआ था और इस कार्यक्रम में जाने के लिए रास्ता कम पड़ रहा था क्योंकि हॉकर्स की जो है दुकानें वो काफ़ी आगे थी और गाड़ियों के आने जाने में काफ़ी तकलीफ हो रहा था। जिसके बाद गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने मनपा को अवैध कब्जा करके बाकड़े लगाए गए हैं जो उन पर और दुकानों के आगे जो पतरे के शेड लगाए गए हैं उन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था और टोरेंट पावर से भी अवैध बिजली कनेक्शन काटने के लिए कहा था। गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड का कहना है कि लोग इतना कब्जा करके आगे बढ़कर खुद दुकान बाकड़े लगा रहे हैं और कोई भी अगर यहां पर घटना हो जाती है तो आने जाने में काफ़ी दिक्कत होगी, एम्बुलेंस दमकल या और गाड़ियां कैसे गलियों में अंदर आ सकेंगी। गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड के आदेश के बाद मनपा ने कार्रवाई की चेतावनी हॉकर्स को दी और खुद ही हॉकर्स अपने बाकड़े हटा रहे हैं। ऐसे हॉकर्सों का कहना है कि अपनी सोसाइटी में ये धंधा लगा रहे थे मगर जो है अब उन्हें हटाया जा रहा है तो ऐसे में अब वो क्या करेंगे, ऐसे बेरोजगार हो जाएंगे। ख़ास तौर पर आपको बता दें कि अंदर गलियों में जो रास्ते हैं उन पर लोहे के एंगल लगाए गए हैं, ये एंगल लगाए होने की वजह से गाड़ियां कैसे अंदर जा सकती हैं ये भी सबसे बड़ा सवाल उठता है क्योंकि जो है काफ़ी कंजेस्टेड ये एरिया गुलाब पार्क मार्केट और अंदर की गलियाँ हो गई हैं। खुद गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कल हॉकर्स पर कार्रवाई करने के आदेश दिए और बिजली इस्तेमाल जो कर रहे हैं अवैध रूप से कनेक्शन उन्हें काटने के लिए कहा। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे और जिन हॉकर्स ने अपने बाकड़े हटाए हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। और राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद और जो एक शख्स है जिसने इसकी शिकायत की थी उसने भी क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाएंगे। मैं इस काम के लिए आया हूँ, ठीक है। मुझे शर्म आ रही है कि जिस तरीके से हॉकर्स ने पूरे गलियों को कब्जा कर लेता है मैं म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों को उसको दोषी करार देता हूँ कि म्युनिसिपैलिटी का कोई भी अधिकारी इसको ध्यान नहीं दे रहा है और इसके वजह से इतना बढ़ गया है, यहां से एक जनाजा भी नहीं जाता। तो हॉकर्स को भी शर्म नहीं है कि पूरे चार चार फुट रास्ते पे आ गए। मुझे नहीं पता, यहां पे पुलिस के इंस्पेक्टर भी खड़े हैं, कंडक्टर साहब, गोसावी साहब आणि साळू के हे पुढच्या 8 दिवसामध्ये जेवढे बाहेर आले तेवढे साफ करा। पूर्वी गोसावी साहेब आपल्याला याची बाउंड्री जी आहे गुलाब मार्केटची ती बाउंड्री ह्या बिल्डिंग का हिस्सा साफ, बिल्डिंग का हिस्सा तुम्ही पार ते मुंबरा स्कूल पर्यंत गेली नाही। सही बोल, सही बोल। पहिले ट्रान्सफॉर्मर तक आम्ही पार उतर गया
सुन के इसका मतलब है कि आपको हॉकर्स पूरा मुमरा जाम करके रखेंगे। उनको बोलो रास्ते पे जाओ, रास्ते पे ही बेचो, अभी सब मुमरा वाले तुझी मार के ऊपर गड़ जाएंगे। जो भी जितना भी पुलिस फोर्स लगाने का लगा दे। आज क्या है, वेनसडे है ना, मैं अगले बुधवार को आऊंगा, मुझे सब छाप चाहिए। बिल्कुल सही। और आवाज साहब आगे बढ़ो, बाडू प्रधान साहब आगे बढ़ो, शमीम खान साहब आगे बढ़ो। मैं करूंगा, एक मिनट थोड़ा जाने दो, मुझे देख के बहुत खुश हुआ है। इतना अगर ये हॉकर्स वाले दादागिरी करने वाले रहेंगे, सोसाइटी वालों को तकलीफ देने रहेंगे, तो मुझे कोई गम नहीं कि मिनिस्टर होकर भी डंडा लेके यहाँ रास्ते पे उतरूंगा। ये ऐसा नहीं चलेगा। कोणाची परमिशन घेतली शेड कटाक्याला? कोणाच्या बापाच आहे रस्त्यावरचे डायरेक्ट शेड टाकून दिली? ऐसा नहीं चलेगा। बस ऐसा मुमरा अगर चलने लगा तो फिर तो ट्रैफिक जाम, फिर कितने भी बड़े रास्ते पर इनको कोई मतलब नहीं। ये सब देख के दुख होता है यार। ये पूरे महाराष्ट्र में सबसे अच्छी सुविधा हमने इस शहर में लाई, इस शहर का फिर से वही हाल हो गया जो तो 15 साल पहले था। क्या बदलाव आया इसमें? तुम्हें उद्या पोलिस मीटिंग गया आणि सगळं साफ करून टाका। आणि खास करून या दुकानदारांना वॉर्निंग द्या, यांच्या दुकानासमोर राहिलं यांचं लायसन्स कॅन्सल करून टाका। आणि हे आता ही लाईट घेतली ना, त्या टोरेंट वाला घेऊन आणायला विचारा, ही लाईट त्याच्या बापाच्याकडनं आली काय? मीटर नाही, चेक करना पडेगा ना, इतना बडा मीटर का आता का से? अच्छा वो मीटर है ना, तो इसको कमर्शियल बिलिंग करो, कमर्शियल बिलिंग करो ना, चलो ना। इसके लिए भड़के ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके लिए बैठ के सॉल्यूशन निकाल के हल कर देंगे। यूनियन क्यों बनाया गया है? यूनियन अगर जिसको बनाया गया है यूनियन का लीडर, तो वो कर सकता है ये सब। ये सबको यहाँ अवार्ड सब करने की जरूरत ही नहीं थी। मीटिंग रखी गई थी, जो मीटिंग जिस तरीके से मीटिंग रखी गई थी, वो मीटिंग का तो समाधान हुआ ही नहीं। जिस तरीके से यानी अध्यक्ष बनाना था, क्या था, वो उसके तरीके से मीटिंग रखी थी, लेकिन वो उसका सॉल्यूशन हुआ नहीं। अध्यक्ष बनाना था मुन्ना भाई हमारे गए, उनको अध्यक्ष बनाना था, तो वो बात नहीं हुई। और यहाँ पर आके उल्टा हो गया कि सब दुकानदार का सज्जा जो है बाहर वो सब तोड़ा जाए, और जो नहीं तोड़ा जाएगा उसके ऊपर 353 कोई भी अगर सामने से आता तो उसके ऊपर 353 केस कर दिया जाए, कोई अगर अपोज करता है तो। तो अभी मनपा के अधिकारी यहाँ पर आए थे, आप लोगों से क्या कहा, आप लोग हटा रहे? अभी वही बोले कि भाई जो आपका सज्जा है दुकान के बाहर जो 2-2 फीट का, वो सब हटाओ। तभी बारिश है, इनसे हटाएंगा तो क्या धंधा करेंगे? ऐसी धंधा पानी से सब महरूम है, गिरा की है नहीं, क्या करेंगे? इंसान कमाएंगे क्या, पेट का क्या करेंगे? इसका मतलब इंसान चोरी करेंगे या डाका डालेंगे, क्या करेंगे इंसान? आप बताइए, अगर गलत बोल रहे हो तो मैं सही बोलो। ऐसे ही पहले इंसान अपने धंधे पानी से परेशान है, और यहाँ पॉलिटिकल चल रही है। हाँ, तो यहाँ मार्केट में पॉलिटिकल क्यों कर रहे हो? अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में हम लोग गरीबों का नुकसान क्यों कर रहे हैं? धंधे वाले लोग, सारे धंधे वाले लोग, सभी धंधा यहाँ है, सबका धंधा है भाई, हर कोई यहाँ पर जितना। अभी एक बात बताओ, एक मिनट, इतने साल से जो बाहर मार्केट लगी है, सही है, आज तक के हमारे बिल्डिंग वाले का एक भी बाकड़ा बता दो वहाँ पे कि किसी का बाकड़ा है वहाँ पे, या किसी को बुला के दिया गया है कि भाई तुम ये बिल्डिंग में रहते हो, आपका हक बनता है, आप यहाँ पे धंधा लगाओ। कभी किसी से पूछा नहीं गया। आज ये हम लोग ने लगाया तो बाहर के मार्केट के लीडर को दिखता है कि ये अंदर लगा हुआ है। एक मिनट को ये अंदर का दिखता है, सही है, इधर की कंप्लेंट जा रही है, ये कौन कर रहा है? ये बिल्डिंग वाले कर रहे, क्या कर रहे? बिल्डिंग की जगह पे कर रहे, कहीं बाहर जाके किसी की जगह पे नुकसान देके किसी को तकलीफ देके नहीं कर रहे। यहाँ पे कोई नशाबाजी नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई नशाबाजी नहीं होनी, ना बिल्डिंग को किसी को तकलीफ दी जा रही है। बाहर के जो हॉकर्स यूनियन है वो रजिस्टर्ड की। जी जी, एक मिनट सुनो मेरी बात सुन लो, इससे तकलीफ नहीं हो रही, हम लोग को तकलीफ नहीं हो रही है। रमजान में हमको जलने की जगह नहीं होती है। कौन सा इधर पे यूनियन लीडर आके बताता कि जगह बनाओ यहाँ पे, कि भाई इधर के लोगों को तकलीफ होती है, आने जाने को तकलीफ होती है, गाड़ी नहीं आती अंदर, किसी को कुछ आने की सुविधा नहीं है। कौन सा यूनियन का लीडर आके बताया इधर जगह बना के दिया है हम लोग को? हम लोग को जाना रहता, हम लोग घूम के यहाँ से पूरा बाहर निकलते, हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, तकलीफ तो हमको है ना। ये इससे क्या तकलीफ है, ये जगह से क्या तकलीफ है? ये बिल्डिंग वाले, ये कोई बाहर वाला नहीं लगा रहा है यहाँ पे, तो बाहर ये सब ये बिल्डिंग के सब लड़के लोग बिल्डिंग के लोग हैं जो लगाए थे इधर पे धंधा, सब बिल्डिंग के, कोई बाहर के नहीं।
ये जो इस तरह के जो लोहे लगे हुए हैं इसको लेकर भी ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है कि अगर कुछ हाथ में हो जाता है बता रहा हूं आपको, तो कैसे फिर यहां पर गाड़ी एम्बुलेंस या फिर एम्बुलेंस है ना गेट बना हुआ है वहां से। मैं बता रहा हूं आपको कि इधर जो लगाया गया ना ये काय के लिए लगाया गया, हम लोग की बिल्डिंग के इधर बाइक ये दुकान वाले भी जितने भी धंधे करते हैं यहाँ पे जो ग्राहक आते हैं यहाँ पे बाइक खड़ी करते थे, हमारे को एक बाइक खड़ी करने की जगह नहीं रहती थी, हम लोग बाहर खड़ी करके आते थे जगह सही है बाइक। अभी ये एम्बुलेंस आने की जगह जो है वहाँ से गेट खुलने वाला गेट है, वहाँ पे ऐसा ये नहीं लगा हुआ रोड नहीं लगे हुए, टैंकर भी अंदर आ जाएगा वहाँ से आपको दिखाता हूँ कैमरे में आप ले लेना, आप चलो वहाँ पे मैं दिखाता हूँ। चाबी पूरे सोसाइटी में सबके पास है, अभी जिनके पास बाइक है या कुछ ये कोई मसला नहीं, ये खाली सुविधा के लिए लगाया कि इधर पे कोई दूसरा आके खड़ा नहीं करे, यहाँ पे चोरी की बाइक भी खड़ी होती है। यहाँ पे एक बार ऐसा हुआ था मसला कि कोई मर्डर वर्डर का केस था जो बाइक है ना चोरी करके यहाँ पे लाके खड़ी करेगी, और उसपे ना हालांकि एक हम लोग की गली का लड़का ही बैठा हुआ था उसको पुलिस घटनाओं को रोकथाम। हाँ कोई मसला चल रहा है इस्लामुद्दीन भाई के यहाँ पर लेके आए और सबको वैसा कुछ नहीं, लेकिन अभी सब दुकानदार भड़के हुए कि लेके आए गए अंदर सबका सज्जा अंदर जा रहा है। हाँ अभी बारिश पानी है, वैसे पहले गंदा पानी नहीं गिरा की नहीं है, और इसके ऊपर अभी एक और एक मुद्दा आ गया कि भाई ये सज्जा हटाओ, अभी लोग क्या करेंगे पब्लिक धंधा लगाने को नहीं क्या करेंगे इंसान आप बताए ना। बाहर से भी इन्हीं लोग ही आकर के लगाते हैं, हमने तो परमिशन किसी को नहीं दिया बिल्डिंग वालों ने कि आकर के लगाए, यहाँ तो गेट के सामने लगा दिया करते थे बिल्डिंग वालों के, कितना बोल बोल के हमने हटाए, हमने लेटर दिए, हमने कंप्लेंट दिए। ये रिजवान साहब भाई का है, इन्होंने भी बहुत साथ दिया हमारा कि आगे हमें लेकर के गए, बात बात कराए किन किन से, तब जाके अब ये ज़रा सड़क का काम ज़रा अच्छा हो गया। शिकायत की थी बिल्कुल बिल्कुल ये कार्रवाई हुई, हमने म्यूनसिपालिटी में बाकायदा बिल्डिंग का लेटर दिया है, पुलिस में दिया है, शमीम खान के ऑफिस में दिए, कानू पठान के ऑफिस में दिए हैं। के लिए मैं पहली बात तो हमारे मंत्री साहब को यहाँ आने के लिए धन्यवाद दूंगा, उन्होंने जो आए यहाँ पे देखे यहाँ का माहौल देखे तो उनका उनके हिसाब से उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने जो बोलना था वो सही बोले, हमारे में भी गलती थी, हमने यहाँ पे सब क्राउड करके रखे थे, मगर एक बात यह है भाई जहाँ मार्केट थी वहाँ क्राउड रहती है, ये हमारा कुछ सोसाइटी का जो यहाँ पे लोग धंधा लगाए थे, लेकिन आने जाने के लिए रास्ता भी यहाँ पे नहीं था ना, अभी इंशाल्लाह अभी रास्ता अलहमदिल्ला उनके बोलने के बाद यहाँ पे माशाल्लाह देखिए बन गया आप लोगों के सामने, आप लोग कैमरे में कैच कर सकते हैं, और ये जो यहाँ पे ज़्यादा क्राउड था ये भी सब खुल गया है, और जो बाहर की जो जो छपड़ियाँ लगी हुई थी वो सब खुलवा भी दी है अलहमदिल्ला, उनकी बात का हम लोगों ने 100% पे हम लोगों ने काम किए हैं। अभी तो फिलहाल में हटा है लेकिन आगे चल के क्या रहेगा, ऐसे ही आगे चल के भी इंशाल्लाह ऐसी क्लियरी आपको मिलेगा, ऐसा होता है कि कार्रवाई होती है फिर लगता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ लोग हमारे में था, अभी इंशाल्लाह जैसा बोल के गए इंशाल्लाह आगे भी आप लोग आएंगे तो जैसे ही मिलेगा। आप लोग कह रहे हैं कि ये कब्जा हुआ था लेकिन सोसाइटी के लोग कहते हैं कि सोसाइटी के ही कुछ युवक जो बेरोजगार थे वो लोग यहाँ पर धंधा, कोरोना काल में उन लोगों को जो बाहर जाते थे मुंबई वम्बई काम पे वम पे जाते थे ना, तो उनके पास अभी जो जिसका जॉब ख़त्म हो गया वो अभी उनके पास कोई व्यवसाय करने का तरीका ही नहीं ना जॉब का उनका तरीका है, अभी वो बेचारे यहाँ पे यानी सोसाइटी के परमिशन लेके वो बेचारों का धंधा बंद हो गया तो क्या करेंगे, अब इंशाल्लाह वो कहीं ना कहीं अपना जॉब का इंतजाम करेंगे, अल्लाह बेहतर जानता है और उसका इंतजाम करने वाला अल्लाह है वही करेगा। अस्सलामुअलैकुम, जैसा कि हमारे इरशाद भाई ने आपको सारी डिटेल दिया है, हमारे कल जो हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितन रावत साहब का सर्वे था गुलाब पार्क मार्केट में, और हम लोग गुलाब पार्क मार्केट जी उन्होंने आए ना तो जो इंट्रेंस है जो गुलाब पार्क का इंट्रेंस है हमारी उनसे हाउसिंग मिनिस्टर साहब से हमारी मांगनी है, हमारे पास लेटर है कि हमको एक गुलाब पार्क प्रवेश द्वार चाहिए, सीसीटीवी कैमरा चाहिए हमको मार्केट सिक्योर करने के लिए, और एक प्रवेश द्वार कहाँ बनाएंगे, तो हम उसी लिए हमारे कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान साहब ने अभी हमारे इरशाद भाई के साथ जफर भाई के साथ मुन्ना भाई के साथ सबके साथ बैठक हुई है कि देखो वहाँ के मार्केट के अलावा ना यहाँ पे रेसिडेंस लोग रहते हैं, रेसिडेंशियल एरिया में ये मार्केट है, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रोचमेंट का हद पार करके लोग है ना रास्ता ब्लॉक कर दिए थे, जबकि बीच रास्ते में जो बची हुई जगह थी उस पर आपकी जिम्मेदारी थी ना कि इतना जो इंक्रोचमेंट हो रहा है तो आपने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई। जी मेरा लेटर है, आपको लेटर भी दिखाऊंगा, हमारे सागर सुलंके साहब के पास यहाँ ट्रैफिक विभाग में और मुमरा पुलिस स्टेशन में हमने लेटर दिया, और हमारे माननीय डॉक्टर जितन रावत साहब को भी लेटर दिया हूँ कि साहब ऐसे ऐसे रेसिडेंस लोगों की तकलीफ है। कल भी हमारी यहाँ की कॉरपोरेटर हफीजा नाइक मैडम की बेटी नेहा नाइक
उसको भी कल लेटर दिए बिल्डिंग नंबर 2 से, आपको मेरे पास रखा है लेटर, शो करता हूँ कि हमारे को वहाँ से रिक्शा नहीं आती है, हम लोग पेशेंट लोग हैं, आना जाना रहता है, हमको जगह नहीं रहती है। आज के बाद रिक्शा अंदर आएगी? देखो हमारे अध्यक्ष है, यूनियन अध्यक्ष हमारे इरशाद भाई, इन्होंने वादा किया है कि मैं वहाँ जगह बना के दूंगा, तो ये इनका जो काम रहेगा वो करेंगे इंशाल्लाह। हम इनसे कोऑर्डिनेट करके मांग करेंगे इनको भी कि भाई रेजिडेंस लोगों को भी यहाँ रहना है, खाली दुकानदारों का मसला नहीं है, दुकानदारों का जो मांगनी थी CCTV कैमरा, शौचालय और प्रवेश द्वार, वो हमने मांग किया हमारे डॉक्टर जितेंद्र वाट साहब से।